दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की कॉम्प्लेक्स नंबर। एनडीए की सीरीज जो है मैंने स्टार्ट कर रखी है, फर्स्ट दो चैप्टर जो है मैंने करवाए थे और जो बीच में है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से कुछ मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं बीच में टाइम निकाल के जो है वीडियो बना लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो नेक्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ के साथ क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। ओके फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो बिल्कुल ही ईजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं जो बता देता हूँ सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी नंबर जो किस फॉर्म के अंदर आपको दिया हो, एक्स प्लस में आयटा वाई की फॉर्म के अंदर आपको अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लास प्लस वन में आपने किया होगा, क्लास प्लस वन के अंदर जो है एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी नंबर जो किस फॉर्म के अंदर हो, एक्स प्लस में आयटा वाई की फॉर्म के अंदर वो है तो उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। और मेनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस में आयटा वाई, जिसमें आयटा वाली टर्म होती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब इमेजिनरी पार्ट, या मैं कहता हूँ इमेजिनरी फंक्शन, अगर ये इमेजिनरी जो है वो एक हिसाब से क्या है, पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मेरे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके अंदर अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो वो पोर्शन जिसके अंदर आयटा वाले की टर्म नहीं लगी हो, देखो यहाँ क्या है, एक तो एक्स है और एक है आयटा वाई, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक्स के साथ आयटा वाली टर्म नहीं है, मतलब आयटा नहीं है, तो जिस पार्ट के साथ आयटा नहीं होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये कि जेड के अगर मैं रियल पार्ट की बात करूँगा तो जेड का जो रियल पार्ट है वो मेरे पास क्या है, एक्स, और जेड के अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगा तो जेड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है मेरे पास क्या, वाई। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयटा वाली टर्म लगी हो, आयटा का जो कोफिशियंट हो, तो आयटा जो टर्म है किसके साथ है, वाई के साथ, तो इसका मतलब वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो वाई क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। याद रखना इमेजिनरी पार्ट में आयटा नहीं लिखते, सिर्फ आयटा के साथ जो टर्म लिखी हुई है, मतलब जो साथ उसका कोफिशियंट है वही लिखते हैं, तो ये क्या आया, इमेजिनरी पार्ट। और जो रियल पार्ट है उसको आर ई से डिनोट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आई एम से जो है वो डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके अंदर मेनली मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बेसिक जो है यहां करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विलिटी मतलब कि दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का रियल पार्ट, दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। मतलब जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, क्या दिया हुआ है, एक्स वन आयटा वाई वन, और एक मेरे पास है जेड टू, वो क्या है, एक्स टू प्लस में आयटा वाई टू। अगर मैं बात करूं रियल पार्ट ऑफ जेड वन की तो वो क्या है, एक्स वन है। अगर मैं बात करूं रियल पार्ट ऑफ जेड टू की वो क्या है, एक्स टू, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या आएगा, वाई वन, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू की अगर मैं बात करूं जेड टू की तो वो आएगा वाई टू। अगर रियल पार्ट ये दोनों इक्वल हो जाए और ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, मतलब Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो दोनों अगर इक्वल हो जाएं और Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि Z1 और Z2 दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। समझ में आया फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, X1 X2 के इक्वल होना चाहिए और Y1 Y2 के इक्वल होना। इफ X1 इज इक्वल टू X2, Y1 इज इक्वल टू Y2, देन वी से दैट Z1 इज इक्वल टू Z2, तो Z1 और Z2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं, मैंने आपको बता दिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन।
तो ये चार आप कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। ओके फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐड करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ही ईजी सा है। जैसे आप सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सिंपल जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस करेंगे और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इन तीनों की बात करते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा डिवीजन की। तो डिवीजन में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है डिफरेंस रहता है इन तीनों के मुकाबले, वो क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन के केस में क्या होता है, अपने पास जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, क्या टू प्लस में थ्री आयटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू, वो क्या ले लेता हूं मैं फाइव प्लस में फोर आयटा। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो मतलब जेड वन प्लस में जेड टू करना है, तो सिंपल टू प्लस में थ्री आयटा और इसमें ऐड कर दो फाइव प्लस में फोर आयटा। आपको पता है ये दोनों ऐड होंगे, रियल रियल पार्ट ऐड होएगा, तो टू प्लस में फाइव क्या आ जाएगा सेवन, प्लस में इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, ये क्या आ जाएगा सेवन आयटा। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स प्लस में वाई और एक मैं कह लेता हूँ एक्स प्लस में थ्री वाई, जब इन दोनों आप इन दोनों को जब ऐड करते हो तो क्या होता है x x वाली टर्म ऐड होती है और y y वाली टर्म, ये क्या आएगा 2x प्लस में 4y। सेम वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, क्या कि रियल रियल ऐड होएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होएगा, क्योंकि ये आयटा वाला है ये भी आयटा वाला, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वैसे ही 2 प्लस में 5 हो जाएगा। अगर मैं माइनस की बात करूं तो सेम प्रोसीजर किस में रहता है, माइनस के केस में रहता है कि जेड वन में से अगर जेड टू को माइनस करना है, मतलब ये कि 2 प्लस में 3 आयटा में से मेरे को माइनस करना है क्या 5 प्लस में 4 आयटा, 5 प्लस में 4 आयटा, तो ये क्या आएगा 2 प्लस में 3 आयटा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5 माइनस का 4 आयटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 5 माइनस का 3, 3 आयटा माइनस में माइनस का आयटा। तो उस केस में ये आंसर आ जाएगा, रियल रियल पार्ट में से माइनस होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होगा। ओके फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर किस में रहता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बस इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि रियल रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के साथ, ऐसा नहीं। सिंपल जैसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मतलब दो जैसे है मेरे पास x प्लस में y और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x प्लस में 2y के साथ, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, सबसे पहले इस x की इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x x की 2y से प्लस में 2xy, फिर y की मल्टीप्लाई x के साथ तो ये yx, फिर y की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2y स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया मल्टीप्लाई के इन दोनों नंबर्स के। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होता है, क्या जो मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे मेरे पास क्या था जेड वन इंटू में जेड टू, इन दोनों की अगर मैं मेरे को मल्टीप्लाई करनी हो तो ये क्या आएगा टू प्लस में थ्री आयटा और ये आएगा फाइव प्लस में फोर आयटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू की पहले फाइव के साथ तो कितना आएगा टेन, प्लस में फिर टू की फोर आयटा के साथ फोर आयटा, फिर थ्री की इसके साथ करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 15 आयटा, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 12 आयटा स्क्वेयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आएगा 10 प्लस में आयटा आयटा वाले टर्म ऐड हो जाएगी, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 23 आयटा और ये प्लस में 12 आयटा स्क्वेयर। अब यहाँ देखो क्या आ गया आयटा स्क्वेयर, तो जो आयटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है -1। ओके फ्रेंड्स, +1 में आपने किया होगा क्या कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयटा क्यूब की जो वैल्यू है वो होती है माइनस का आयटा, और आयटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1। तो यहाँ जो है मैं वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ किसकी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू। आयटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस में 23 आयटा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस में 23 आयटा। तो ये आ गया मेरे पास क्या, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, इन तीनों में एक चीज जो है वो कॉमन है, क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं माइनस करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ओके फ्रेंड्स, और वो किस फॉर्म के अंदर आता है, वो हमेशा एक्स प्लस में आयटा वाई की फॉर्म के अंदर ही आता है। तो सिंपल है,
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे ऐड करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ डिवीजन की, कि डिवीजन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना सिंपल ऐसे नहीं है, दो नंबर को डिवाइड करना, क्योंकि डिवीजन केस में थोड़ा सा प्रोसीजर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो वो क्या है, जैसे मेरे को इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, डिवाइड, जेड वन को डिवाइड करना है जेड टू से। जेड वन था मेरे पास 2 प्लस में 3 आइटा, डिवाइड जेड टू था मेरे पास 5 प्लस में 4 आइटा। जब भी डिवाइड करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब कि नीचे वाली जो टर्म है, यहाँ क्या है प्लस, तो 5 माइनस 4 आइटा से मल्टीप्लाई और 5 माइनस 4 आइटा से डिवाइड। जब भी डिवाइड करना हो उस केस में आपको रैशनलाइज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रैशनलाइज कर दिया है मैंने, अब इसको सोल्व कर लो। क्या ये क्या आएगा, 2 प्लस में 3 आइटा इनटू में 5 माइनस में 4 आइटा डिवाइड बाई, ये देखो a प्लस में b और a माइनस में b। तो यहाँ a कितना है 5 है और b कितना है 4 आइटा, तो a प्लस में b, a माइनस में b, तो यहाँ लगेगी आइडेंटिटी क्या, a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब ऊपर क्या आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, जैसे दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ की थी वैसे के वैसे यहाँ मैं जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 प्लस में सॉरी 2 इंटू 5 क्या आएगा, ये 10, इसके साथ करेंगे माइनस का 8 आइटा, इसके साथ करेंगे माइनस का 15 आइटा, इन दोनों की करेंगे माइनस का 12 आइटा स्क्वेयर, डिवाइड बाय ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, मतलब 16 आइटा स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 22 माइनस में, इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस का 23 आइटा डिवाइड बाय आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये 16, तो 41। अब क्या कर लेता हूँ, डिवाइड वाली चीज़ को दोनों के अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये 22 डिवाइड बाय 41 माइनस में 23 डिवाइड बाय 41 आइटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जेड वन डिवाइड बाय जेड टू आ गया, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो डिवाइड के केस में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सिंपल ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, यही थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो डिवीजन के केस में भी लास्ट में जो आंसर आया वो भी क्या आया, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो इसका मतलब चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, चाहे ऐड करूं, चाहे माइनस करूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिजल्ट भी क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ओके फ्रेंड्स, और यहां मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर का मतलब, जैसे मैं नहीं बता सकता कि जेड वन बड़ा है जेड टू से, जेड जेड टू बड़ा है जेड वन से, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, ग्रेटर देन लेस देन कभी भी नहीं बताया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस में आइटा वाई, मेरे को क्या निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि कंजुगेट को डिनोट करते हैं, एक तो लिखते हैं जेड बार से, या मैं कह सकता हूं जेड डैश, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट को इस चीज से डिनोट करते हैं। और कंजुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये कि जेड का जो कंजुगेट है वो क्या है, जेड बार, मतलब ये कि एक्स प्लस में आइटा का बार, जब इसमें बार को हटाऊंगा तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब है कि जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यही नंबर ऐसे होता जैसे 2 माइनस में 3 आइटा, अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, 2 प्लस में 3 आइटा, माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और प्लस क्या बन जाता है, माइनस। ओके फ्रेंड्स,
तो ये था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद बात करता हूँ कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है आपको पता होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी चाहिए? कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कि क्या नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर कंजुगेट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है। मतलब ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एडिशन में है तो अगर उनका कंजुगेट करना हो तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तो उनका कंजुगेट कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टीज देखो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास, ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड, अगर उसका मैं दो बार कंजुगेट करूं तो वो वापस किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के ही इक्वल आ जाएगा। मतलब ये कि जेड का अगर मैं कंजुगेट करता हूं तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस में आएगा, एक्स माइनस में आएगा। अगर इसमें द्वार से मैं अगर कंजुगेट कर दूं तो ये वापस क्या आ जाएगा, प्लस का, तो ये वापस किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो बार कंजुगेट करते हैं तो वो वापस क्या आ जाता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मैं ऐड करूं जेड प्लस में जेड के कंजुगेट को, अगर क्या कर देते हैं, जेड और जेड के कंजुगेट को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है किसके, रियल पार्ट ऑफ जेड के। आप करके देख लो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड है और ये इसका कंजुगेट है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स, और एक्स क्या होता है, रियल पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं माइनस करूं तो ये हो जाएगा टू आयटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो जेड वन है और एक जेड टू है, इन दोनों को ऐड करके इस पूरे का कंजुगेट करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जेड वन का कंजुगेट कर लूं प्लस में जेड टू का कंजुगेट कर लें। मतलब अगर जेड वन प्लस में जेड टू का पूरे का कंजुगेट है तो दोनों का अलग अलग कंजुगेट को भी ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जेड वन माइनस में जेड टू, इसका होल कंजुगेट है, इसको भी मैं लिख सकता हूं जेड वन का कंजुगेट माइनस में जेड टू का कंजुगेट। फिफ्थ और इसके बाद आती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का अगर कंजुगेट है तो भी इसको मैं लिख सकता हूँ जेड वन का कंजुगेट इंटू में जेड टू का कंजुगेट। और सिमिलरली सेवंथ प्रॉपर्टी क्या, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है और पूरे का होल कंजुगेट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड वन का कंजुगेट डिवाइड बाय जेड टू का कंजुगेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेवन प्रॉपर्टीज हैं जो आपके मेनली इसमें यूज होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर जैसे z की पावर n का कंजुगेट करना हो, क्या है, z की पावर n का कंजुगेट, n कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ z कंजुगेट की पावर n, मतलब ये कंजुगेट और ये जो n है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है। तो ये एट प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस में कहीं भी यूज हो सकती है। तो ये था कंजुगेट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आयटा y, इसके जो मॉडुलस है उसको डिनोट करेंगे मॉडुलस ऑफ z, इस टाइप से डिनोट करेंगे, और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। याद रखना, इमेजिनरी पार्ट बोला है मैंने, इमेजिनरी पार्ट में आयटा नहीं लिखते, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ये जो टर्म आती है, ये जो वैल्यू आती है वो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ z, मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये z का जो मॉडुलस है उसको इस चीज से डिनोट करेंगे, आपको बहुत सी जगह लिखा आएगा z का मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है, और मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक मेन मेन प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि आपको पता है किसी भी नंबर का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आता, या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास जेड इंटू में जेड कंजुगेट करता हूँ, क्या
जेड इंटू में जेड का कंजुगेट अगर करें तो वो हमेशा क्या आएगा, इसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी और उसकी जो कंजुगेट के अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो हमेशा उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल ही आता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक जेड वन है और एक जेड टू है, उन दोनों के प्रोडक्ट का अगर मेरे को क्या निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो मैं लिख सकता हूँ जेड वन का मॉडुलस इंटू में जेड टू का मॉडुलस। याद रखना प्रोडक्ट का, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट का। ओके फ्रेंड्स, सम के केस में ऐसा नहीं होता। सम के केस में क्या होता है कि जेड वन प्लस में जेड टू का अगर मॉडुलस निकालना हो वो हमेशा क्या आता है, लेस देन इक्वल टू जेड वन का मॉडुलस प्लस में जेड टू का मॉडुलस, उस केस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है, एक ये है और एक ये है और एक ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मेन जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से भी आते हैं काफ़ी क्वेश्चन, और कुछ एक और बातें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और साथ के साथ जो है वो क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को कमेंट करके मेरे को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।